पैकिंग एंड डिस्पैच प्रोसीजर ऑफ आंसर बुक्स, यानी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाने के तुरंत बाद पैकिंग कैसे करनी है और उसको पैक्ड हो जाने के बाद डिस्पैच कैसे होना, उस प्रोसीजर पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि जैसे एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट और ऑब्जर्वर को इंश्योर करना है कि जितने भी बच्चे परीक्षा दे रहे थे उनकी सबकी कॉपियां इकट्ठी होकर के सीरियल वाइज लग करके वो एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम में पहुंच जाती हैं। और वहां पहुंचने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है कि सेंचुरी ऑफ रोल नंबर वाइज आंसर कॉपीज को अरेंज कर लेना है, यानी सेंचुरियन बना लेने हैं, 1 से 100, 101 से 200, 201 से 300 या 1001 से 1100, इस तरीके की सेंचुरियंस में अरेंज कर लेना है। अब मान लीजिए कि बच्चों ने इंग्लिश मीडियम में भी दिया, हिंदी मीडियम में भी दिया है, तो सेंचुरियन में जो भी कॉपीज आ रही उनको रोल नंबर वाइज मिक्स कर लेना है। लेकिन ये मिक्सिंग सोशल साइंस और साइंस के पेपर्स में नहीं होगी। अगर सोशल साइंस और साइंस के पेपर्स को बच्चों ने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में भी दिया है तो इंग्लिश मीडियम वाली अलग रखी जाएंगी और हिंदी मीडियम वाली अलग रखी जाएंगी। ऐसा करने के बाद इनको सुतली से, सेंचुरियन को क्या करना है, सुतली से या किसी ट्वाइन से, किसी मजबूत धागे से बांध देना है, पैक कर देना है और प्रॉपरली मार्क कर देना है। अगर अलग अलग रखी गई हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आंसर करी की कॉपीज अलग अलग रखी गई हैं तो उनके ऊपर मार्क कर देना है कि इंग्लिश की है या हिंदी की है। यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी की बात नहीं हो रही, आंसर मीडियम की बात हो रही इंग्लिश हिंदी की, जो कि साइंस और सोशल साइंस में ही लागू होगा, इसके अलावा किसी सब्जेक्ट में लागू नहीं होगा। अब अलग अलग सेंचुरी के जो पैकेट्स तैयार होंगे उन पैकेट्स को एक साथ रख लेना है। मान लीजिए कि सेंचुरियन के 4 पैकेट तैयार हुए या 5 पैकेट तैयार हुए तो उन 5 पैकेट को एक साथ रख लेना है। लेकिन क्या करना है, सबके ऊपर मार्क करना है, 5 पैकेट हैं तो 1/5, 2/5, 3/5, इस तरीके से 4/5 एंड 5/5, इस तरीके से पैकेट्स के ऊपर मार्क कर देना है कि पहला पैकेट है, दूसरा पैकेट है, तीसरा पैकेट है, चौथा पैकेट है, पांचवा पैकेट है, और फिर पांचों पैकेट को या जितने भी पैकेट होते हैं उनको एक साथ रख करके उसको फिर से वापस सुतली से मजबूती के साथ पैक कर देना है। अब ये जो बड़ा तैयार हो गया, आपके पास गटर तैयार हो गया है, इसको क्लॉथ में, कपड़े के अंदर में पैक कर देना है और सील कर देना है, सील लगा देनी है। इसके पश्चात फिर से इसको एक बार कपड़े में पैक करना है, यानी कपड़े की पैकिंग 2 बार होगी और उसके ऊपर भी आपको सील लगा देना है प्रॉपरली। अब ये तैयार हो गया है रीजनल ऑफिसर के बताए हुए एड्रेस पर भेजने के लिए। लेकिन इसके पहले, भेजने के पहले कुछ चीजें और हैं, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है कि ऑब्जर्वर और जो सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट हैं वो ये इंश्योर करेंगे कि ये जितनी भी पैकिंग हुई है वो कम से कम 2 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट्स के सामने पैक हुआ है। और कोशिश ये करें कि जहां पर सेंटर है उस सेंटर के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट यानी इन्विजिलेटर्स होने के बजाय किसी दूसरे स्कूल के इन्विजिलेटर्स होने चाहिए, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट होने चाहिए। अगली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 10th का भी बोर्ड एग्जाम चल रहा है और 12th का भी बोर्ड एग्जाम चल रहा है, दोनों के जो पैकेट्स हैं तैयार होने हैं और उनके जो कपड़ों में पैकिंग करनी है वो अलग अलग कलर के होंगे, एड्रेस अलग अलग इंक में लिखा जाएगा, तो वो इंक क्या है वो देख लीजिए। क्लास 10th को जो है कपड़ा जो होगा वो ब्लू कलर का होगा, यानी ब्लू कलर के कपड़े में पैक करी जाएंगी क्लास 10th की आंसर कॉपीज, और इस पर जो एड्रेस लिखा जाएगा वो रेड कलर से लिखा जाएगा, बड़ा कलरफुल कर दिया गया है। नीले रंग के कपड़े में आंसर कॉपीज को पैक किया जाएगा और लाल रंग के इंक से एड्रेस को लिखा जाएगा। और 12th में क्या होगा कि पिंक कलर, गुलाबी पिंक कलर में पैक किया जाएगा, पिंक कलर का कपड़ा होगा उसमें पैक किया जाएगा और ब्लू कलर की इंक में एड्रेस को लिखा जाएगा। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि डिस्टिंग्विश किया जा सकेगा इजिली, आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकेगा कि कौन से क्लास के एग्जाम का पेपर है ये। अब देखिए जो हमने वहाँ 1/5, 1/2/5 बताया था वो यहाँ पर दिया हुआ, सेम चीज है कि अगर ज्यादा सेंचुरियन पैकेट्स हैं तो उनको 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5 इस तरीके से आपको कर लेना है। एक और चीज है कि अगर आंसर बुक्स के अलावा भी कुछ मटेरियल भेजा जा रहा है सीक्रेसी सेंटर्स को तो उसके ऊपर बोल्ड लेटर में, उस पैकेट के ऊपर में बोल्ड लेटर में लिखना है नॉट फॉर CSO। और इसको कहाँ लिखना है,
एट द बॉटम ऑफ द पार्सल, पार्सल के बॉटम पर लिखना है और ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, नॉट फॉर CSO लिख देना है। अब अगला जो विशेष पॉइंट है कि सेंटर सुपरिंटेंडेंट को कम से कम ये सारा प्रोसीजर जो है दो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट्स के सामने करना चाहिए होगा, और वो जो उसके खुद के स्कूल के नहीं होंगे, और टाइम भी बराबर डालना होगा, टाइम मेंशन करना होगा कि कितने बजे पैकिंग हुई है। इसके साथ ही अगर आंसर बुक्स अनफेयर मीन्स की हैं तो उनको सेपरेट एनवेलप में पैक करना है, अनफेयर मीन्स की अगर कोई आंसर बुक्स हैं तो उनको सेपरेट एनवेलप में पैक करना है और कंसर्न रीजनल ऑफिसर को भेजना होगा, और ये बाकी के सेंटर मटेरियल के साथ ही भेजा जाएगा ड्यूली साइंड, पैकेट इनका अलग होगा। अगर आपको एनवेलप्स नहीं रिसीव हुए हैं रीजनल ऑफिस की तरफ से तो जो गाइडलाइंस में अपेंडिक्स एफ है उसके हिसाब से पैकिंग की जाएगी। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आंसर बुक्स के साथ भेजे जाने हैं। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है स्टेटमेंट ऑफ रोल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स, रोल नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स जिसमें अपियर्ड कौन कौन से हैं, एबसेंट कौन कौन से हैं और UFM के रोल नंबर कौन कौन से हैं, इनका मेंशन किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पेपर में। और ये मीडियम वाइज कि इंग्लिश मीडियम में कौन से केसेस रहे हैं और हिंदी मीडियम में कौन से केसेस रहेंगे, और इसको प्रिपेयर करना है जो आपको फॉर्म नंबर 66 मिला है CBSE के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, और इसके लिए इस फॉर्म को ट्रिप्लीकेट में प्रिपेयर करना है, तीन कॉपियों में प्रिपेयर करना है, और दो कॉपियां जो होंगी वो बोर्ड के लिए होगी और एक कॉपी जो है वो सेंटर सुपरिंटेंडेंट के द्वारा सेंटर पर ही प्रिजर्व करके रखी जाएगी। सिटिंग प्लान जो है, बैठक व्यवस्था जो है, वो हर एक रूम की हॉल की सेपरेट कवर में एक अलग लिफाफे में डेली बेसिस पर भेजी जानी है, हर एक पेपर के साथ में भेजी जानी है। कितने पार्सल्स पैकेट्स क्वेश्चन पेपर के खोले गए हैं और उनके ऊपर सर्टिफिकेट्स होंगे यानी असिस्टेंट सेंटर सुपरिंटेंडेंट्स के सिग्नेचर होंगे वो, और क्वेश्चन पेपर जो है बचे हैं कितने, सरप्लस कॉपीज कितनी बची हैं, वो सारी की सारी भेजी जानी है वापस। केवल क्या कर सकते हैं कि सेंटर सुपरिंटेंडेंट्स दो कॉपीज पेपर की रख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर की रख सकते हैं, लेकिन इसको भी प्रॉपरली मेंशन करना होगा कि दो कॉपीज जो है सेंटर सुपरिंटेंडेंट के द्वारा रिटेन कर ली गई है, बाकी का सारा मटेरियल मतलब जिन पार्सल्स में पैकेट्स में क्वेश्चन पेपर आए थे वो खाली पैकेट्स ही भेज रहे हैं, उनके ऊपर सिग्नेचर होंगे जो असिस्टेंट सेंटर सुपरिंटेंडेंट्स होंगे उनके सिग्नेचर होंगे, सारे क्वेश्चन पेपर्स जो बच रहे हैं एक्स्ट्रा खोले गए हैं नहीं खोले गए हैं उनको भेज रहे हैं, केवल दो कॉपीज जो है सेंटर सुपरिंटेंडेंट रिटेन कर सकते हैं। अनओपन्ड क्वेश्चन पेपर से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन पेपर पैकेट्स नहीं भी खोले गए हैं उनको भी वापस किया जाना है। सैंपल इंप्रेशन ऑफ सील, जो सील लगाई जा रही है उसका सैंपल इंप्रेशन एक कागज पर लगा करके भेजना है, इसको केवल एग्जामिनेशन के पहले ही दिन भेजना है और सेपरेट लिफाफे में लिखना है भेजना है जिसके ऊपर सील इंप्रेशन जरूर लिख दिया जाना है। यहां तक तो बात हो गई थी कि कौन सा मटेरियल एग्जामिनेशन के दिन भेजना है, हर एक एग्जामिनेशन के दिन। अब 11.5 में देख लीजिए कि सारे एग्जामिनेशन खत्म हो जाने के बाद, ऑल द एग्जामिनेशन खत्म हो जाने के बाद में क्या क्या भेजना है। डुप्लीकेट सेट ऑफ सीटिंग प्लान, सीटिंग प्लान का डुप्लीकेट सेट यानी क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी, और अटेंडेंस शीट्स ड्यूली अरेंज रोल नंबर वाइज अटेंडेंस शीट्स भेजनी है, ईच अटेंडेंस शीट ड्यूली काउंटर साइन, अच्छा इसमें सेंटर सुपरिंटेंडेंट का काउंटर सिग्नेचर होना चाहिए, इसके लिए अपेंडिक्स जी देख लिया जाए। फिर कैजुअल एबसेंटीज की कंसोलिडेटेड लिस्ट भेजनी है यानी अपेंडिक्स ई भेजना है, और साथ ही अनफेयर मीन्स के केसेस भी भेजने हैं, और लास्ट में ये भी भेजना है कि जो असिस्टेंट सेंटर सुपरिंटेंडेंट्स लगे हुए थे यानी इन्विजिलेटर्स लगे हुए थे उनका कोई भी रिलेटिव एग्जामिनेशन नहीं दे रहा था, इस बात का सर्टिफिकेट भी चाहिए। अकाउंट ऑफ आंसर बुक्स, सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स, ड्राइंग शीट्स मतलब जितना भी मटेरियल एग्जामिनेशन में यूज हुआ है लिखने के द्वारा, लिखने के लिए बच्चों के द्वारा, उस सब का हिसाब किताब भी भेजना है कि कितनी ए कॉपीज यूज हुई, कितनी सप्लीमेंट्री कॉपीज यूज हुई हैं, ड्राइंग शीट्स कितने लगे हैं, ग्राफ पेपर्स जो यूज हुए हैं उनका सबका रिकॉर्ड भेजना होगा, कितनी आंसर कॉपीज का यूज नहीं किया गया है, सप्लीमेंट्री आंसर कॉपीज कितनी बच गई हैं, ड्राइंग शीट्स कितनी बच गई हैं, ये जितना कुछ बैलेंस है इसका भी हिसाब किताब भेजना होगा, और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट भेजनी होगी जो कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होगी क्लास 10th की भी और क्लास 12th की भी।
अब देखने की बात यह है कि बारिश का जो मौसम आने वाला है यहाँ मई जून में कभी भी बारिश हो सकती है, तो सारे सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि अपने पोस्ट ऑफिस को एक बार कॉन्टैक्ट कर लें और उनकी गाइडलाइंस को समझ लें कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पैकेट्स को, आंसर कॉपीज को, क्वेश्चन जितना भी मटेरियल है जो भेजे जाना है उसको कैसे पैक करना है। और प्रेफरेबल ये है कि प्लास्टिक बैग्स के अंदर इनको पैक कर दिया जाए। और ये प्लास्टिक बैग्स कैसे होने चाहिए, सेल्फ एडहेसिव प्लास्टिक बैग्स होने चाहिए जो खुद चिपक जाते हैं, ताकि उनके अंदर एक तरीके की सीलिंग हो जाती है और पानी जाने की संभावना लगभग लगभग खत्म हो जाती है। वाटर प्रूफ बैग्स होते हैं, ये वाटर प्रूफ बैग्स के अंदर में पैक किया जाए। इस तरीके की बैग जो है लोकल मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, वहां से लेकर के सारे पैकेट्स को ऐसे वाटर प्रूफ प्लास्टिक बैग्स के अंदर पैक किया जाना चाहिए। ये एडवाइजेबल है, करना चाहिए इसको। और जितना भी डॉक्यूमेंट भेजा जा रहा है वो सेंटर सुपरिंटेंडेंट के द्वारा काउंटर साइन किया जाना चाहिए, बिना सिग्नेचर के कुछ भी जाना नहीं है, सब सेंटर सुपरिंटेंडेंट का सिग्नेचर होगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में, सारी पैकिंग वैकिंग हो जाने के बाद में आपको कहाँ भेजना है, ये आपको आपके लोकल आरओ को भेजना है। आपका लोकल आरओ का मतलब हो गया, जैसे किसी का राजस्थान लग रहा तो आरओ अजमेर हो गया, किसी का मध्य प्रदेश लग रहा तो आरओ भोपाल हो गया, किसी का आरओ इलाहाबाद हो गया। इस तरीके से जो आपका रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस है सीबीएसई का, उसके एड्रेस पर इनको स्पीड पोस्ट कर देना है, स्पीड पोस्ट कर देना है और सेम डे स्पीड पोस्ट करना है, ये कंपलसरी है। ये इस वीडियो में पैकिंग और डिस्पैच के बारे में जानकारी दी गई है। उम्मीद है कि ये सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट्स और ऑब्जर्वर्स के काफी काम आएगा। जय हिंद, जय भारत।